दोस्तों, ये आप देख सकते हैं करेले। आज मैंने बनाए हैं करेले। ये देख लीजिए किट्टू को, किट्टू यहाँ बैठी हुई है। ये देखिए किट्टू, मम्मा यात्रा में गई थी, किट्टू को बता के गई थी मैं, कलश यात्रा में किट्टू को बता के गई थी दोस्तों। और अभी पूरे हफ्ते की कथा होगी, तो आप सब लोग जुड़े रहना मेरे साथ, तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा कथा का विवरण। और मैं अभी किट्टू के ना टिक्स चेक कर लेती हूँ। ये मुझे क्या लग रहा है किट्टू, ये देखो, या तो ये चोट है या ये टिक्स है। किट्टू सबसे हालचाल पूछो, नमस्ते करो सबको। किट्टू मम्मा ने आपको सिखाया है ना, चोट लग रही है। इसको नहलाने के बाद भी ना ये देखो काली हो गई है, काली कलूटी किट्टू, किट्टू हुई काली। अच्छा अच्छा चोट है, चोट है। ओए किसने मारा मेरी गुड़िया को, कौन मारता है मेरी राजकुमारी को, ना भाई ना, कोई मत मारो। दोस्तों आप मेरे वीडियो को प्यार दोगे तो आपको पूरी दिल्ली घुमाऊंगी, ठीक है, पूरी दिल्ली घुमाऊंगी अगर आप प्यार दोगे वीडियो को। ध्रुव राठी के बेटा हो गया किट्टू, अच्छा हो गया ना, और दीपिका के बेटी हुई है। मैंने तो पहले किट्टू से कहा था कि ध्रुव राठी के बेटा ही होगा, किट्टू से मैं कह रही थी ध्रुव के बेटा होगा और दीपिका के बेटी होगी। ये देख लो रणवीर के तो यहाँ बेटी हो गई और ध्रुव राठी के बेटा हो गया। अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, फिर अब नवरात्रि आ जाएंगे। अब नवरात्रों में तो आपको पता ही है, लड़का भी लंकड़ा भी होना चाहिए और कन्या भी होनी चाहिए, है ना, दोनों ही चाहिए, कन्या भी चाहिए और लंकड़ा भी चाहिए। कन्या पूजन होता है, कन्या पूजन होता है दोस्तों। तो आप लोग हमेशा मेरे साथ रहना, तभी अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में हो। मुझे ना अकेले रहना नहीं अच्छा लगता, सबके साथ अच्छा लगता है। लेकिन ध्रुव राठी के बेटा हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ध्रुव राठी को, बहुत बहुत। इसका टाइटल कंटेंट भी मैं ध्रुव राठी का बेटा ही रखूँगी। ध्रुव राठी बोलते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होएगा तो मैं, वो क्या कहेगा कि मैं नहीं सच बोलता या मैंने इस चीज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, कोई भी टॉपिक होता है उनका। तो अब देखिए उनका बच्चा हो गया, उनका बच्चा भी, उनका बेबी भी बड़ा होकर के बिल्कुल अपने पापा ध्रुव राठी की तरह ही सच बोलेगा और मोदी के अगेंस्ट बोलेगा। मोदी को भी बताएगा वो कि मोदी की कहाँ गलती है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। ध्रुव राठी अधिकतर आपने देखा होगा सच के लिए बोलते हैं और मोदी के लिए बोलते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं वो मोदी के लिए। और अभी जो एक सीन हुआ है, एक लड़का न्यूज़ में भी दिखाया होगा, आपने भी देखा होगा, बहुत वायरल हुआ, उसके घर में कोई उससे बात नहीं करता और उसके ऊपर इतना सारा कर्जा चढ़ गया, तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है ना, अब आप लोग कम से कम बात तो करो, उसके घर वाले उससे बात नहीं करते। वो कितना, जब कोई किसी को छोड़ देता तो कितना उस लड़के की तरह ही उस दूसरे बंदे का भी हाल होता है। देखिए उस लड़के को उसके घर वालों ने छोड़ दिया और वो कितना डाउन हो गया, सोचो। तो अगर आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, है ना। वो लड़का इतना रो रहा है, वो कह रहा है मेरा भाई बहुत अच्छा है लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता। उसने क्या बोला, मेरा भाई बहुत अच्छा है लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता। तो कितनी बुरी बात है, आप के लिए वो इतना अच्छा कह रहा है, मानता है आपको, वो
वो ये कह रहा है मेरा भाई बहुत अच्छा है लेकिन मुझसे बात नहीं करता। सोचो जरा वो कितना प्रेम करता है अपने भाई को, भाई कितना अच्छा है लेकिन वो उससे बात नहीं करता। तो कितनी ज़्यादा, देखिए इसमें दो बातें निकल रही है, भाई अच्छा है लेकिन वो उससे बात नहीं करता। तो कितनी ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात है ये कि भाई अच्छा है लेकिन बात नहीं करता। तो ये चीज़ पे ध्रुव राठी को वीडियो बनानी चाहिए। और आप अच्छे हो, आपके लिए आपका भाई रो रहा है और आप अच्छे हो, फिर भी आप अपनी अच्छाई का परिचय नहीं दे रहे, आप अपने गुडनेस का परिचय नहीं दे रहे, तो फिर आप काहे के अच्छे हो। कोई बंदा मरने जा रहा है, तुम्हारा भाई ये कह रहा है मैं मर जाऊंगा ये वो, और आप उसको इस तरह से कर रहे हो। मैंने जो देखा ना वीडियो में, मेरा दिल रोने लग गया। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, 99% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको कहीं ना कोई दुख है और कोई ना कोई उनको हर्ट करता है। तो प्लीज़ उसको हर्ट मत करो। तो बेचारा वैसे ही फंसा हुआ है, आप लोग उसको अकेला छोड़ के और ज़्यादा फंसा रहे हो। उसने ये भी बताया कि यूपी पुलिस जो है उसके साथ बहुत वो किया, यूपी पुलिस ने, क्योंकि वो गेम के चक्कर में फंस गया। जो बड़े बड़े क्रिकेटर वगैरह हैं उन लोगों ने वो गेम के लिए उनको बोला पैसा लगाओ पैसा लगाओ, तो गेम में वो फंस गया, गेम के जाल में, स्कैंडल जो भी था उसमें वो फंस गया। और यूपी पुलिस वाले ने भी उसको थाने में बिठा के पूरा एक हफ्ता उससे गेम खिलवाया पैसों के लिए, फिर उन्होंने वीडियो को भी कट कर दिया। तो ऐसा मत करो, किसी का भी दिल मत दुखाओ। देखो सबने उस लड़के का इस्तेमाल किया, ठीक है, अगर आप लोग भी ऐसा करोगे, घर वालों को तो समझना चाहिए ना, सबने उसका इस्तेमाल किया तो आप भी करोगे, तो आप में और सब में क्या फ़र्क रह गया? समझ रहे हो आप में और सब में क्या फ़र्क रह गया? अब ध्रुव राठी का बेटा हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ध्रुव राठी को, किट्टू भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही है। किट्टू ध्रुव राठी के बेटा हो गया बेटा, हाँ मेरा बच्चा, और दीपिका की बेटी हुई है उसके लिए तो मैंने पहले भी कहा था, जब उसकी बच्ची हो ही नहीं थी ना तब भी मैंने बोला था। वो देखने से ही पता चल जाता है किसके बेटा होगा किसकी बेटी होगी, पता चल जाता है यार, देखने वाली नज़र होनी चाहिए आपके पास, सब पता चल जाता है। ध्रुव राठी तो सच्चाई के लिए बहुत जाने माने जाते हैं, और सच्चाई, मैं भी सच बोलती हूँ, इसीलिए मुझे ध्रुव राठी बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि कितनी बार उन्होंने मोदी जी के लिए बोला है कि मोदी जी कह के कुछ भी भूल जाते हैं, और बोलते हैं हर घर में खाना होगा, घर घर में खाना होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन डॉग तो भूखे सो रहे हैं ना, डॉग तो भूखे सो रहे हैं गलियों में, कूचों में, नगरों में, शहरों में, गाँव में, कितनी जगह पे डॉग के साथ, चाइना में इतनी क्रूरता हो रही है, वो तो भूखे सो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लोग उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं। तो मोदी जी उनके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, कोई कानून क्यों नहीं बनाते? ऐसे लोगों को तो देखते ही गोली मार देनी चाहिए, जो लोग डॉग को इस तरह से बेच के पैसा कमाते हैं और ब्रांडेड डॉग को रखते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उनको भी घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करो, और मोदी जी को समझाओ जरा यार, कोई वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। मेरी कीटू की आई, कीटू को चोट लग गई, कीटू ये देखो, कीटू को चोट लग गई, ये देखो गहरी नींद में सो रही है मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। मम्मा गई थी, माँ इसको बता के गई थी किट्टू को कि किट्टू मैं कलश यात्रा में जा रही है, देखो कितना मारते हैं लोग, ये देखो कैसे कैसे लगी हुई है, सारा छिला पड़ा है। मैं किट्टू को बता के जाती हूँ दोस्तों, फिर ये ना मेरा इंतज़ार भी करती है, मम्मा भी आएगी, मम्मा भी आएगी। पता है कितने घंटे लग गए वहाँ पर, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया लेकिन आपने मेरा वीडियो वायरल नहीं किया, राम मंदिर अयोध्या मंदिर। ओ मेरा बच्चा, कौन मारते है। अब मैं किट्टू के पास आ गई हूँ और आज मैंने बनाए करेले, तो मैंने आपको करेले की क्लिप भी दिखा दी थोड़ी सी। और मैं ना वीडियो को कट करके नहीं बनाती, किसी की कॉपी नहीं करती, ओरिजिनल यूनिक वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करो, शेयर किया करो दोस्तों, मेरे किट्टू को शेयर करो,
मेरी किटू बच्ची को शेयर करो, मेरी बच्ची को शेयर करो, मेरी किटू को शेयर करो। ओ मेरा बच्चा सोना है, सो जा। राधे राधे किट्टू को मिला दे, राधे राधे किट्टू को सुला दे। दोपहरी इतनी हो रही है ना, सड़ी भूख हो रही है। देखो चीर ईगल कभी बहुत है, धूप बहुत तेज है। 3 बज गए हैं दोस्तों, मेरे को वहाँ पे भी इतने घंटे लग गए पता है। मैंने वीडियो बनाई सिर्फ आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ गई हूँ और क्या कर रही हूँ, इसीलिए मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करो। किट्टू को मम्मा बता के गई थी, मम्मा कलश यात्रा में जा रही, अयोध्या जा रही हूँ मैं। किट्टू मम्मा के साथ अयोध्या चलना है, अयोध्या यात्रा पे चलते हैं, राम मंदिर। ध्रुवराठी के बेटा हो गया दोस्तों, बहुत खुशी है मुझे क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं कि उनके घर बेटा हो। सच बताऊँ वो डिज़र्व करता है ध्रुवराठी, ठीक है। तो पड़ोसियों की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। यह देख लो दोस्तों कितनी तेज धूप है। और अगर आपको कथा में भाग लेना है, कथा में एंजॉय करना है, राम कथा को सुनना है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।